everyone. Greetings of the day. Once again, Dr. Anu from Punjab. The series of rubrics is for young homeopath doctors who are new to the mind map. Today in this series, we will discuss what is secretive. Secretive rubric has 45 remedies. First, we will see what is secret. Secret is gupt. And what is secretive? It is an occasional state of mind. It means known to only small number of people and it is not told or shown to anyone else. Secretive का मतलब ये नहीं होता कि किसी को भी नहीं उसकी कोई hidden emotions या उसके बारे में, उसके अंदर की जो हकीकत है उसके बारे में नहीं पता. कुछ group of people उनको उसके बारे में पता होता है. As you can also say that the patient has secret feelings, intentions, he has hidden intentions. In other words, not letting people know, don't like to share the information. ऐसे person, ऐसे patients, अपनी information, अपने कुछ राज, हर एक बंदे से share नहीं करते. लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो ये सब किसी से भी share नहीं करते. कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को उनके बारे में, उनकी हकीकत के बारे में पता होता है. फॉर एग्जाम्पल, इंटेलिजेंस एजेंसीज रिमेन सीक्रेटिव दो द मीडिया और अदर डिपार्टमेंट्स आस्क फॉर द इंफॉर्मेशन. जैसे आजकल हम वेब सीरीज देखते हैं, इसमें हमें दिखाया जाता है कि कोई होम मिनिस्ट्री है या कुछ प्रोजेक्ट के बारे में काम कर रही हैं, तो वो ऑफिसर से, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो मीडिया उनसे उनके जो भी उनका उसकी इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहते हैं, लेकिन वो इट्स ऑल दैट कह के उठ के चले जाते हैं. फॉर एग्जांपल, होम मिनिस्ट्री ने जो वो सर्जिकल स्ट्राइक की थी उसके बारे में उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, उन ग्रुप ऑफ पीपल को, उन कैप्टन्स को तो पता था, लेकिन देश की आम जनता को नहीं पता था. दिस इज सीक्रेटिव. हमारा पेशेंट हमारे क्लिनिक में आकर हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट सीक्रेटिव है? या पेशेंट हम रूटीन में देखते हैं कि हम पेशेंट से पूछते रहते हैं कि अपने बारे में बताएं, ये आपको प्रॉब्लम क्यों हुई है. आजकल हम साइकोडायनेमिक्स के थ्रू भी ढूंढना चाहते हैं कि कुछ तो है इसकी लाइफ में जिसके कारण इसको इतनी छोटी एज में थायराइड की प्रॉब्लम हुई है या डायबिटीज हुए हैं, तो कुछ तो है. लेकिन वो पेशेंट हमें बोलते रहते हैं, नहीं सब ठीक है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है. पेशेंट यहाँ पर अपने घर के हालात हमें नहीं बताना चाहते. कुछ पेशेंट्स होते हैं हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताना चाहते, कुछ अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताना चाहते. इसके पीछे भी कुछ रीजंस होते हैं. हर रेमेडी के पीछे एक रीज़न होता है कि पेशेंट हमारे साथ अपने राज की बात क्यों नहीं करना चाहता. मे बी ड्यू टू एम्बेरेसमेंट, सम मे बी ड्यू टू मॉरल्स, है ना, ड्यू टू फियर. कुछ पेशेंट्स को लगता है कि हमारा हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ना खराब हो जाए. देर आर मैनी रीजंस, देर आर डिफरेंट रीजंस इन डिफरेंट रेमेडीज. और मैं आपको इसका एक बहुत आसान एग्जांपल देती हूँ. आप सबने मूवी देखी होगी राजी, जहाँ पर आलिया भट्ट ने एक रॉ एजेंट का रोल निभाया था, जिसमें वो उसने एक पाकिस्तानी सोल्जर से शादी की थी. उसका जो हिडन इंटेंशन था, जो मोटिव था कि क्यों उसने वो शादी की और पाकिस्तान गई, वो उसके हस्बैंड को भी मालूम नहीं था. दैट इज सीक्रेटिव. ऐसा नहीं है कि सीक्रेटिव पेशेंट आपको जानकारी नहीं देगा. धीरे 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 जैसे उसको अपने डॉक्टर पे या कुछ भी रीजन से आप पर फेथ होगा या उसे लगेगा कि अब आपको उसने वो राज बताना है, तो वो बता भी देते हैं. मैं आपको एक बहुत अच्छी एग्जांपल देती हूँ अपने केस की. मतलब वो बात मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई थी, मुझे वो केस जब मैंने उस आईपीआर से ये बात मुझे पता चली थी. तो मुझे एक डॉटर ने अपनी मदर के बारे में ये बताया कि उसके भाई भाभी हैं जो वो अब्रॉड रहते हैं, वो फॉरेन में रहते हैं. तो उस लड़की को उसकी माँ ने ये नहीं बताया था कि उसकी भाभी प्रेग्नेंट है, और उसकी भाभी को ये लगता था कि मैं अपनी ननद के साथ रूटीन में बात करती हूँ तो वो मेरा हालचाल क्यों नहीं पूछती. तो 7th 8th मंथ में जाकर उस लड़की को पता चला था कि मेरी भाभी प्रेग्नेंट है.
तो जब उसने अपनी मदर के साथ बात की तो कारण ये निकला कि उसकी मदर बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस थी और उनका वो पहला बच्चा था। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा हैरानी वाली बात लगी कि मदर ने अपनी ही डॉटर को ये नहीं बताया कि वो कि उसकी जो डॉटर इन लॉ है वो प्रेग्नेंट है। दिस इज सीक्रेटिव। ऐसे बंदे आपके घर में भी हो सकते हैं। तो आई वॉज अस्टॉनिश्ड, मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई थी जब मुझे ये केस के बारे में, मतलब ये उसकी IPR, मतलब उस लड़की ने मुझे अपनी मदर के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। थैंक यू एवरीवन।